बेटा आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के हवाले से जो पेपर में अक्सर व बेशतर आ भी जाते हैं और इस साल भी इम्कानात हैं कि आ जाएं, कि रिड्यूस कोर्स में इस तरह के क्वेश्चंस के आने का इम्कान है। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का तो आपने खैर सुना ही होगा। गिव अ सिंपल टेस्ट हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका जो पहला पार्ट है वो है एन एल्केन एंड एन अल्कीन। अल्केन और अल्कीन के दरमियान अगर फर्क करना हो तो केमिकली आप किस तरीके से टेस्ट करके बताएंगे कि ये एक सैंपल, फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट ट्यूब में अल्केन का कोई सैंपल रख दूं, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कीन का कोई सैंपल रख दूं और आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सा टेस्ट ट्यूब अल्केन का है, कौन सा अल्कीन का। तो हाउ वुड यू डिटरमाइन, एनी आइडिया, एनी गैसेस? तो इनके रिएक्शंस करके देखेंगे रिएक्शंस, कौन सा पर्टिकुलर रिएक्शन होना चाहिए? सर। जैसे अल्केन में सब्स्टिट्यूशन होती है और अल्कीन में एडिशन हो जाएगी, तो वेरी गुड। कॉमन सी बात है। अल्केन में सर सब्स्टिट्यूशन होती है, तो कोई ऐसा रिएक्शन करा के देख लें जो एडिशन प्रोडक्ट देता हो, क्योंकि अल्केन में एडिशन तो होती नहीं है, अल्कीन में एडिशन हो जाती है। तो अगर एडिशन हो गई तो हम समझ लेंगे कि वो अल्कीन है, नहीं हुई तो हम समझ लेंगे वो अल्केन है। तो इसके लिए हम अल्केन का एक मेंबर कंसिडर कर रहे हैं, ईथेन। और ईथेन का रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएंगे, तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अच्छा, ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ और अल्कीन की सूरत में रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, कैसे होगा आप देख लेते हैं। ये एक कंपाउंड मैंने इथीन ले लिया, अल्कीन फैमिली का मेंबर। इसका रिएक्शन जब मैंने ब्रोमीन से करवाया, Br2, ये रेड कलर का होता है, और जैसे ये रेड कलर का कंपाउंड अल्कीन में जाएगा तो CH2, CH2 डाई ब्रोमो इथेन बनेगा। ठीक है, दोनों ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे और इनके बीच का जो ये डबल बॉन्ड था इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना डाई ब्रोमो इथेन, बेटा ये होता है कलरलेस। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुआ, यानी कि जब मैं टेस्ट ट्यूब में जिसमें अल्केन मौजूद है यानी इथेन मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें मैं ब्रोमीन ऐड करूंगा जो कि रेड कलर का है, तो कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड कलर की रहेगी। मतलब टेस्ट ट्यूब में, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जाम्पल, इसमें अल्केन मौजूद था, इथेन मौजूद था। अब मैंने जब इसमें ऐड करूंगा ब्रोमीन को, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड कलर के रहेगा, रिएक्शन रहेगा तो वो रेड कलर के ही रहेगा, तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। बट सेम इन द केस जब मेरे पास अल्कीन की टेस्ट ट्यूब में मैं ये रेड कलर की ब्रोमीन को ऐड करूंगा, रेड कलर का ब्रोमीन जब ऐड होगा तो इट विल बिकम कलरलेस। ये कैसा हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अल्केन और अल्कीन के बीच में। बेटा रिएक्शन समझ में आया? सर हम सिर्फ ब्रोमीन ही लेंगे, उसके अलावा कुछ और भी ले सकते बेटा हैं। केमिनोफोर भी ले सकते हैं, केमिनोफोर पर्पल कलर का होता है, और जब उसमें ब्रोमीन में डालेंगे तो, सॉरी, इथीन में डालेंगे तो ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो है वो इथाइलीन ग्लाइकोल बनता है, एंटीथ्रीज, वो भी कलरलेस होता है। तो पर्पल कलर का जो केमिनोफोर है वो कलरलेस हो जाएगा। सर मतलब हमें किस तरीके का कंपाउंड या कोई चीज लेनी है, कोई स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक बात जिसको देख के हम ले। बेटा स्पेसिफिक, ये देखो ये जो टेस्ट है ना ये सिंपल टेस्ट है, यानी कि अगर मैं आप जैसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी बोलूँ ना करने के लिए तो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते।
अब आप लोगों के पास कोई हैवी मशीनरीज और हैवी कोई कैरेक्टराइजेशन इक्विपमेंट्स तो होंगे नहीं कि वो आप एक्सरे एनालिसिस कर लें या कोई भी एनालिसिस करके बता दें कि कौन सा कंपाउंड है। आप तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे ना। तो फिजिकली ऑब्जर्व करने के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि स्मेल, फॉर एग्जाम्पल स्मेल चेंज हो जाए तो आप बता बोल सकते हैं कि हाँ भाई कोई चीज़ बदल गई, या किसी चीज़ की अपेयरेंस जैसे कलर है, तो यहाँ कलर की सूरत में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, वरना डिस्टिंग्विश करने के तरीके तो बेतहाशा हो सकते हैं, तो बेतहाशा कैरेक्टराइजेशन टेक्निक हो सकती है, लेकिन यहाँ हम सबसे सिंपलेस्ट वे की बात करें। ठीक है, सर, हम ब्रोमीन के अलावा हेलोजन फैमिली से कोई और एलिमेंट ले सकते हैं? हेलोजन के, ब्रोमीन के अलावा हम आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो हेलोजन जितने भी होते हैं ना वो किसी ना किसी तरह के कलर्ड मेंबर्स होते हैं। क्लोरीन भी कलर्ड होता है, फ्लोरीन भी कलर्ड होता है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन की सूरत में इनका जो कलर है ना वो बहुत ज्यादा वाजे नहीं है। ब्रोमीन और आयोडीन का जो कलर है ना वो बहुत वाजे, डार्क कलर नहीं है, रेड है और पर्पल है आयोडीन का। ठीक है, और आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ रहा है येलोइश ग्रीन कलर आता है क्लोरीन का, फ्लोरीन का कलर फिलहाल मेरे जहन में नहीं है। तो लेकिन इन दोनों के कलर लाइट है, तो अगर वो लाइट कलर हम डालते भी नहीं वो समटाइम इन्वायरमेंटल रिएक्शन से भी वो कलर डीकलराइज हो सकता है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है ना वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से कलर डीकलराइज नहीं होते। तो हम यूज वो भी कर सकते हैं, बट हम वो कर मतलब यहाँ पर जो एक हमारे पास कॉमन प्रैक्टिस है सेकेंड ईयर में वो ये कि या तो हम ब्रोमीन यूज करते हैं या केमिनोफोर यूज करते हैं, क्योंकि इनके कलर्स डार्क होते हैं। आयोडीन से रिएक्शन कराने के लिए हमें फिर वो इथेनॉल डालना पड़ता है, तो इथेनॉल में वो सॉल्वेंट बनाकर फिर करना पड़ता है, वो एक लंबी पकड़ बनती है। ब्रोमीन सबसे इजीएस्ट वे रहता है क्योंकि ब्रोमीन ऑलरेडी लिक्विड होता है, फिर डार्क कलर होता है, तो उसका कलर डीकलराइज होते हुए नजर भी आता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये डीकलराइज नहीं होता। तो दीज आर द रीजन। क्लियर, ओके सर। ओके। अच्छा नाउ अब हम मूव करते हैं। अच्छा कुछ अब अल्फाज यहाँ पर दे देते हैं, अल्फाज वही फेमिलियर है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट रखते हैं सारी चीजों का, और आप लोगों को नॉलेज भी होगी इस चीज की। लेयर टेस्ट नहीं बेटा, ये लेयर टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। अब सब लेयर टेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की सूरत में मतलब होता है। आप जो अभी सॉल्ट एनालिसिस अगर कॉलेज जा रहे होंगे तो आप लोग वहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एक लेयर टेस्ट आया होगा। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन से आइन में आता है लेयर टेस्ट, लेकिन ये लेयर टेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप जितने भी वो यूज करते हैं सॉल्ट अपने कॉलेज में, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लिहाजा ये लेयर टेस्ट नहीं। यहाँ पे हम लफाजी लिख रहे हैं, N-K-4। अच्छा ये सवाल जब आपके सामने पेपर में आता है ना, तो अमूमी तौर पर ये सवाल अलग से आता है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का। दो तीन आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट दे दिए जाते हैं कि आप इन दो तीन चीज़ों के दरमियान ज़रा फ़र्क करके बता दीजिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ये तफसील इस तरह से लिखनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं बेटा जिसके अंदर आप सिर्फ इक्वेशंस लिख दें काफ़ी होता है, मजीद आपको किसी लफाजी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा सा इसको वजाहत अगर आप दे देंगे तो आपके सवाल का जो वजन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा कोई इसके अंदर ना ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों के लिए नहीं हो या परेशान करो।
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें अब तक इसमें बताई गई हैं और आप लोगों के यकीनन जहन में भी है, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा है। तो आप लोग के जहन में ये सारी बातें हैं होंगी, वर्डिंग्स जो मैं लिखता जा रहा हूँ आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आ रहा होगा लफ्ज़ों में, बड़े सिंपल अल्फाज हैं। कोशिश यही है कि जितना हो सकता है आसान रखा जाए मामला। जितनी बात आपको समझाई गई है वो पूरी ही बात लफ्जों में यहाँ पर हमने कर दी है। देखो हमने आपको यही समझाया ना कि अल्कीन जो है वो अनसेचुरेटेड होता है, तो एडिशन प्रोडक्ट देने की वजह से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और अल्केन तो कलर कंपाउंड्स प्रोड्यूस ही नहीं, मतलब एडिशन प्रोडक्ट्स देता ही नहीं है, तो वो कलर कंपाउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। देखो वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है, अल्कीन आर दी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड केमेनोफोर सॉल्यूशन, द डीकलराइजेशन ऑफ दीज एजेंट्स कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन्स, व्हाइल अल्कीन्स आर दी सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड केमेनोफोर सॉल्यूशन। तो क्लियर है मेरी को सारी बात? कोई परेशानी, कोई सवाल? सर सर हम एक वक्त में ब्रोमीन या एक वक्त में केएमएनओ4 लिखेंगे ना, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं लिखेंगे? नहीं, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, कोई एक ही बात लिखेंगे। असल में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि ये इससे भी हो सकता है, मतलब हमारे कोर्स में ये बात दोनों चीज़ों से करीब हुई है। तो आप मतलब ये होता है ना, अक्सर आप इधर उधर के नोट्स देख रहे होते हैं तो कहीं पे कोई और बात किसी और तरह से लिखी होती तो आप उस वक्त परेशान हो, इसलिए दोनों बातें आपको बता दी। ठीक है बेटे, यस सर। और सर KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल। KMnO4 का कलर जी बता, पर्पल होता है। ओके सर। चलो भाई फिर आगे चलते हैं, अब दूसरा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देख लेते हैं। अब हम फर्क कर लेते हैं एन अल्केन एंड एन अल्काइल हैलाइड, अल्केन और अल्काइल हैलाइड में जरा फर्क कर लेते हैं कि अल्केन और अल्काइल हैलाइड में हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। देखो अल्केन का रिएक्शन अगर मैं एल्कोहलिक के ओएच के साथ कराऊं तो नतीजे में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर मैं फर्दर ब्रोमीन ऐड कर दूं तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये स्टेप अभी समझ नहीं आएगा, जब दूसरा स्टेप करूंगा ना फिर समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH2Cl, बॉन्ड कम हो गया CH2, ठीक है। अच्छा अब मैं, अगर आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड के साथ अगर एल्कोहलिक KOH डाला जाता है तो क्या होता है, कोई मुझे जल्दी से बता दे क्या होता है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन। वेरी गुड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है सर, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के नतीजे में क्या होगा, इस कार्बन से हेलोजन निकलेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। हेलोजन और हाइड्रोजन के निकलने के बाद ये कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ठीक है, HCl HCl, ठीक है। अब जब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 डाई ब्रोमो इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब सर ये किया क्यों, बेटा तो बहुत आसान सी बात है, देखो अल्केन कलरलेस है, ठीक है, KOH कलरलेस नो रिएक्शन कलरलेस, ब्रोमीन नो रिएक्शन कलरलेस, सही है। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है कलरलेस, एल्कोहलिक KOH कलरलेस, इथीन प्रोड्यूस होगा कलरलेस,
तो रिएक्शन हुआ पता कैसे चलेगा जब सब कुछ कलरलेस है? हमने ब्रोमीन ऐड किया जो कि रेड कलर का है, ब्रोमीन ऐड करूंगा, अब ब्रोमीन का रेड कलर अगर खत्म होकर डीकलराइज हो गया तो इसका मतलब डाई ब्रोमो इथेन बना, और यहां पर अब कलर का डीकलराइज होना इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई यहां ये रिएक्शन हुआ। देखो अल्केन की सूरत में तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, हेलोजन ही नहीं है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहां से होगी, तो कंफर्म है कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ ये कंफर्म करने के लिए हमने ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन रेड कलर का था, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्रोमीन ना अल्केन पर रिएक्ट करेगा ना KOH के साथ रिएक्ट करेगा, और कोई प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ जिसके साथ वो रिएक्ट करे, तो कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं रिजल्ट। ठीक है, रेड कलर ही रहेगा। लेकिन इथाइल क्लोराइड की सूरत में क्या हुआ, जब इसका रिएक्शन मैंने अल्कोहलिक KOH से कराया तो ये इथीन फॉर्म हुआ, ये मुझे पता है कि इथीन फॉर्म होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये भी कलरलेस है ये भी कलरलेस है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मैं, देखकर नहीं बता सकता कि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर का ब्रोमीन डाल दिया। अब रेड कलर का ब्रोमीन डलते ही वो रेड कलर ब्रोमीन का खत्म हो गया, क्योंकि ये इथीन जो था ये डाइब्रोमो इथेन में कन्वर्ट हुआ और ये कंपाउंड भी कलरलेस होता। अब अगर मैं यहाँ पे कलर्स के हवाले से लिख दूं तो ये कलरलेस है, फिर ये कंपाउंड भी कलरलेस होता है, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ ये रेड कलर का होता है, जब मैं रेड कलर मिलाऊंगा तो रेड कलर पूरा ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे पानी के अंदर मैं रेड कलर की इंक डाल दूं तो क्या होता है, पानी का पूरा कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर रिएक्शन हो रहा हो और वो रेड कलर दोबारा से खत्म होकर कैसा हो रहा हो, कलरलेस, तो वो वाली कंडीशन यहाँ देखना चाह रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर, ठीक है, यस सर। अब इसके हवाले से वही बात अगेन, कुछ लफाजियां कर लेते हैं। लफाजी वही होगी बेटा जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, एन अल्काइल हैलाइड अंडरगो डी हाइड्रो हेलो जिनेशन विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड जो है वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, अब द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन, द अल्कीन की फॉर्मेशन मे बी कंफर्म बाय मे बी कंफर्म्ड बाय डी डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन एंड KOH, सॉरी KOH लिख दिया मैंने, देखो क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे मुझे, क्या मैंने फोर KMnO4 सॉल्यूशन व्हाइल अल्कीन्स डू नॉट रिएक्ट विद, व्हाइल अल्कीन्स डू नॉट रिएक्ट विद KOH, KOH while alkanes do not react with KOH as well as bromine or
KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो सर, गई सारी बात? जी जी बेटा बोलो। नहीं यहाँ पे डीकलराइजेशन तो हम डायब्रोमो इथीन के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने लाइन में तो ये लिखा है ना कि कंफर्म्ड बाय डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन एंड KMnO4 सॉल्यूशन। नहीं, डीकलराइजेशन तो उसूली तौर पर हो ही नहीं की रही है ना। देखो, रेड कलर किसका है? ब्रोमीन का। पर्पल कलर किसका है? केमिनोफोर का। जब हम उसको अल्कीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो दोनों रिएक्ट करके जो कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अल्टीमेटली वो कलरलेस होता है। तो असल में जो डीकलराइज हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है बेटा? और कोई सवाल अभी किसी के पास तो पूछ लें। आगे चलूं? ठीक यस सर। है, तो यहाँ पे अब हम अगला टास्क देख लेते हैं। हमारे पास अगला टास्क क्या है? चलिए, एन अल्कीन एंड एन अल्काइन। एक अल्कीन और अल्काइन में आप किस तरीके से फर्क करेंगे? अब ये थोड़ा सा देखने वाला होगा क्योंकि दोनों ही एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, ये बात जहन में रहे। ठीक है ना, तो इसे किस तरीके से करेंगे? देखो, मैं इथीन ले रहा हूँ अल्कीन फैमिली से। इथीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम AgNO3 के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया नॉर्मली ये रिएक्शन होता है, तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। बट जब यही रिएक्शन इसका मैं इथाइन के साथ करवाऊंगा, सेम AgNO3 रिएजेंट लूंगा, तो अमोनिया के प्रेजेंस में यहाँ क्या फॉर्म होगा? अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, याद है? क्या नाम है इस कंपाउंड का? ये देखो, पेज तो पलट सिल्वर पलट के बता रहे। चाहिए, सिल्वर स्टाइल। किसी के पेज पलटने की आवाज आई मुझे। जवाब तो सही है, सिल्वर एसिटिलाइड। ये कंपाउंड फॉर्म होगा सिल्वर एसिटिलाइड, और इस कंपाउंड का कलर होता है बेटा वाइट। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर कलरलेस चीज में वाइट कलर आ जाए कहीं से तो वो नजर आएगा ना। जवाब जी सर। सर वाइट एज इन वाइट प्रेसिपिटेट्स या वाइट कलरेशन ही हो जाएगी। व्हाइट कलरेशन बेटा, क्योंकि कंपाउंड प्रॉपरली बनता है, तो जितना अच्छा ये कंपाउंड बनेगा उतना ज्यादा आपके पास जो है वो व्हाइट कलरेशन होगी। देखो, अगर ये कंपाउंड बहुत ट्रेसेस में बनेगा तो प्रेसिपिटेशन होगी, लेकिन अगर ये अच्छी क्वांटिटी में बनता है तो प्रॉपर वे में व्हाइट कलर आपके पास शो होगा, लाइक जस्ट लाइक मिल्क। ओके सर। ओके, चलिए आगे। अब इसके पीछे फिर से थोड़ी सी लफ्जों की जंग कर लें। अच्छा बेटा, तो इथाइन एंड ऑल दी टर्मिनल अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर। इथाइन और जितने भी टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं वो बाय नेचर टर्मिनल अल्काइन्स और इथाइन समेत जितने भी टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं वो सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, और
फॉर्म करते हैं व्हाइट सॉलिड जिसका नाम है सिल्वर एसिटिलाइट लीविंग बिहाइंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लीव कराएंगे और वहां पर सिल्वर लगा देंगे विद अमोनिकल सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, रिएजेंट का नाम लिख रहे हैं, विद अमोनिकल सिल्वर विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट व्हाइल ऑल द एल्कीन्स आर न्यूट्रल एंड डू नॉट फॉर्म सॉल्ट और शो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, अल्फाज क्या हैं? अल्फाज बिल्कुल वैसे ही हैं कि जितने भी टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं वो अगर उनका रिएक्शन हम करवा दें सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट कैसा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वो सिल्वर एसिटिलाइड नाम का एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि वाइट कलर का होता है और सॉल्ट होता है। सेम यही रिएक्शन अगर मैं अल्कीन के साथ करवाने की कोशिश करूं तो उसका रिएक्शन नहीं होता उसके साथ किसी भी किस्म का, और वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। ठीक है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा वो इस बात को इंडिकेट करता है। ठीक है, चूंकि अल्कीन बेटा दोबारा बताओ, बोलो क्या बोल रही हो? टर्मिनल एल्केन्स एक्सप्लेन कर दे मुझे। बेटा टर्मिनल अल्काइन्स ऐसे अल्काइन्स को कहते हैं जिनके जिनमें ट्रिपल बॉन्ड ना लास्ट कार्बन पर हो। अच्छा लास्ट कार्बन का मतलब क्या होगा? लास्ट कार्बन का मतलब देखो वो पहला ही कार्बन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर यहाँ कहीं सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज जस्ट अल्काइन नॉट अ टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, लेकिन अगर यही ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन कह लो या लास्ट कार्बन कह लो के साथ हो तो नाउ इट इज अ टर्मिनल अल्काइन। अच्छा अब ये बात याद रहे कि इसके लिए लफ्ज पहला और आखिरी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इस तरह की सीक्वेंस में बात कर रहे हैं तो वो पहला होगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह की सीक्वेंस में तो वो लास्ट होगा। बट जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो ये बात तुम्हें याद होगी बहुत अच्छे से बेटे कि नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से डबल ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। इस सूरत में नंबरिंग यहां से होगी, उस सूरत में नंबरिंग वहां से होगी, दैट इज द डिफरेंस। और टर्मिनल अल्काइन्स ही, ये बात याद रखना, टर्मिनल अल्काइन्स ही एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करने की सलाहियत रखते हैं। हर अल्काइन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने की सलाहियत नहीं रखता टर्मिनल अल्काइन के अलावा। क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। जी बेटे। सर इथीन के केस में सिल्वर नाइट्रेट ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। नहीं किया सर, मतलब इसकी क्या वजह है कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं हुआ? अच्छा देखो इसकी वजह, पहले तो ये टर्मिनल अल्काइन वाली बात समझ लेनी चाहिए तुम्हें। टर्मिनल अल्काइन वाली बात समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर
why terminal alkynes show such type of reaction and not all alkynes show such type of reaction. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है. तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब हमें क्लियर करना पड़ेगा. तो तुम्हारे सवाल के जवाब तक देखो, टर्मिनल अल्काइंस और बाकी के अल्काइंस में क्या डिफरेंस होता है. मैं एक सिंपल टर्मिनल अल्काइन बना रहा हूं ताकि बात को एक्सप्लेन कर सकूं. ये एक टर्मिनल अल्काइन और ये एक सिंपल अल्काइन है. अच्छा, व्हाट इज इट? इट इज ब्यूटाइन. इट इज ब्यूटाइन और इट इज 2-butyl. Okay, it is 2-butyl. अब तुम्हें याद होगा कस्मा, मैंने जब ये एक्सप्लेन किया था टॉपिक, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर तुम लोगों को बताया था कि पीछे अगर वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ बनाया था, पता नहीं बनाया भी था ये. एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तुम्हें बनाकर मैंने बताया होगा, अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, जिसमें मैंने ये पूरा क्लियर किया था कि हाँ ये वाला हिस्सा आ गया. जो मैंने क्लियर किया था ना कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इन दोनों के दरमियान का ये फासला कम होता है, रेजोनेंस इफेक्ट आसानी से हो रहा होता है, यहाँ पर जो है वो ये डिस्टेंस कम होता है, तो पोलैरिटी वगैरह ये सारी चीजें क्लियर की थी मैंने. यस सर, आपने लिखवाया था, रीजन लिखवाया था. रीजन लिखवाया था ना, सेम यही बात है बेटा कि देखो अल्कीन इथीन में क्या होता है, इथीन में ये जो गैप होता है ना ये ज्यादा होता है. इस ज्यादा गैप की वजह से आयोनिक कैरेक्टर का इंड्यूस होना या इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली एक एटम में रह जाना जरा मुश्किल रहता है. तो अब चूंकि वो हाइड्रोजन को लूज ही नहीं कर रहा, देखो अल्कीन में जो ये एसिडिक अल्काइन में सॉरी जो ये एसिडिक प्रॉपर्टी आती है ये क्यों आती है, बिकॉज इट लूजेज एच पॉजिटिव आइन, ठीक है ना, इस वजह से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है. बट इथीन में क्यों नहीं आती सर? इथीन में इसलिए नहीं आती बिकॉज इट डज नॉट लूज एच पॉजिटिव आइन इन सच मैनर, ठीक है ना, वो इस तरीके से एच पॉजिटिव आइन लूज ही नहीं कर सकता. तो वो एक तो स्ट्रक्चर की बात थी कि ये एच पॉजिटिव आइन लूज नहीं कर सकता, अलबत्ता टर्मिनल अल्काइन कर सकता है. अच्छा सर, व्हाई टर्मिनल अल्काइन डू दिस? बिकॉज बेटा टर्मिनल अल्काइन के पास कॉर्नर से हाइड्रोजन को निकालना आसान होता है. अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बीच में बना हुआ है, इधर से भी कार्बन ने घेर के रखा हुआ है इस वाले कार्बन को, इधर से भी कार्बन और बाकी एटम्स ने घेर के रखा हुआ होगा, तो इधर स्पेस नहीं है कि हाइड्रोजन इस तरीके से आसानी से रिमूव हो सके. तो दैट इज व्हाई टर्मिनल अल्काइन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट नॉन टर्मिनल अल्काइन इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते. ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब तुम्हारा सवाल क्या था कस्मा बेटा, सवाल रिपीट करो. सर मैं यही पूछ रही थी कि एथीन क्यों ये वाला रिएक्शन शो नहीं करता और AgNO3 के साथ बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करता, तो आपने वो एक्सप्लेन कर दिया अभी. बस सही है, क्लियर हो गया. और कोई सवाल बेटा किसी को? बेटा और कोई सवाल? आवाज आ रही है सर? जो KMnO4 होता है इसकी अपनी मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? हम इसको अक्सर मतलब फर्स्ट ईयर से हम काफी एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर चुके हैं, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इतना क्यों वाइडली यूज किया जाता है? इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, और ऑक्सीड सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो है ना वो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में करवाया जाता है. जहां पर भी आपको ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है वहां पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के मुकाबले में जरा सस्ता होता है. तो इस वजह से आप इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल देख रहे हैं. फर्स्ट ईयर में आपने टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन में, क्योंकि वहाँ पे भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे KMnO4 ही लिया जाता है. और वैसे भी वाइडली यूज केमिकल है ये, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इस केमिकल का. सिर्फ ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका ऑक्सीडेशन पर्पज के लिए, वो किसी भी इंडस्ट्री में कैसे भी इस्तेमाल हो रहा हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और केमिकल एनालिसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, क्रोमेटोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल होता है,
चीजों को आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए, तो उसके काफी सारे यूजेस हैं। यस ओके सर। और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल जल्दी से सर? बेटा टाइम टाइम जा रहा है, एक काम कर लेते हैं कि मैं मीटिंग रिज्वाइन कर रहा हूँ, जल्दी से रिकनेक्ट हो जाओ, एक बात और बतानी हो फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ। जी बेटा, तो एक सवाल अभी आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ये आज का आप लोगों का टास्क रहेगा और मैं चाहूँगा कि इसको करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर इमेजेस भेज दें कल तक। मेरे ख्याल से टाइम कम दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कल ही क्लास है तो मैं कल ही फिर इसको डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। तो ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6 What further information is necessary in order to establish the identity ये लीजिए बेटा, सवाल आ गया आपके सामने। चलें अब सवाल को जरा बगौर देख लें एक मरतबा, आपको हम समझा भी देते हैं सवाल, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास जिसका फॉर्मूला बता रहे हैं C4H6 एब्जॉर्ब्स 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन के 2 mole एब्जॉर्ब किए इन सूटेबल कंडीशन, जो भी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए कंडीशंस रिक्वायर हैं, टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह वगैरह, वो सारी कंडीशन हमने प्रोवाइड की, ठीक है? अब रिएक्शन हो जाने के बाद, यानी C4H6 में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाने के बाद, द रिएक्शन प्रोडक्ट इज इनर्ट टुवर्ड्स ब्रोमीन एंड केमेनोफोर सॉल्यूशन। जो भी प्रोडक्ट आया, आई डोंट नो क्या प्रोडक्ट आ रहा है, बट जो भी प्रोडक्ट है वो ब्रोमीन और केमेनोफोर सॉल्यूशन से इनर्ट है। अच्छा, व्हाट डज दिस मींस? कि वो रिएक्शन ही शो करेगा ब्रोमीन और उससे केमेनोफोर से। वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा सर केमेनोफोर और ब्रोमीन के साथ। वेरी गुड। अब आगे देख रहे हैं, ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6। आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले कि कौन कौन से मुमकिना स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इस कंपाउंड C4H6 के, ये पहली चीज। आगे, व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी in order to establish the identity of the hydrocarbon, aur mazid aapko kya jankari chahiye hogi ki aap is hydrocarbon C4H6 ke bare mein complete identity de sake, yani ki iska complete structure bata sake, iski complete family bata sake, iske bare mein aur tafseel bayan kar sake, iske liye aapko aur kis kis cheez ki information, kis information ki zarurat ho sakti hai। दो चीजें यानी आपको बतानी है कि C4H6 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं और मजीद आपको किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि आप इस हाइड्रोकार्बन की आइडेंटिटी के हवाले से मजीद कुछ बात कर सके, ठीक है? ठीक है बेटा, बेटा क्लियर है सर? आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन वाली बात दोबारा बताएं, क्या है ये? आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि वो कौन है, उसकी पहचान,
मतलब C4H6 मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, आई डोंट नो इसकी फैमिली क्या है, आई डोंट नो उस फैमिली में इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस फैमिली का कौन सा मेंबर है, उस मेंबर में कौन सा स्ट्रक्चर है, वरना हमारे पास तो एक एक स्ट्रक्चर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना. लाइक मैं अगर मिसाल दूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कार्बन है, तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है तो इट इज पेंटीन, बट अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा है तो इट इज 2-pentene. तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई ना एक ही स्ट्रक्चर में. तो एक तो वो कौन सा मेंबर है फैमिली का, आई डोंट नो अबाउट दिस, और उस मेंबर का वो फिर कौन सा मतलब आइसोमर हो सकता है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये इंफॉर्मेशन भी मिले. इससे ज्यादा मैं अगर समझ लो और हिंट्स और चीजें बता दूं तो मेरे ख्याल से मैं पूरा जवाब ही बता दूंगा. ठीक है सर, वो इंफॉर्मेशन हमें बतानी है या वो चीज बतानी है जिससे ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी? देखो स्ट्रक्चर्स बताने और आपको वो इंफॉर्मेशन बतानी है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको मिल जाए तो आप इसकी आइडेंटिटी के हवाले से मजीद बातचीत कर सकते हैं. ओके सर. ठीक है चलो बस फिर मजा आएगा इस सवाल के जवाब आप लोगों का. मैं वेट करूंगा कि आप लोग कब तक इसका जवाब देते हैं. ठीक है तो बाकी बात एक मिनट बेटा. हफ्सा इसके बारे में ये बताना है कि पहले तो C4H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो पॉसिबल हो, जो जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल आपको लग रहे हैं आप ड्रॉ कर दें, और दूसरा आपको मजीद कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि आप इस C4H6 के बारे में बयान कर सकें कि ये कौन है, कैसा है, क्या है, कि कौन है, कैसा है, क्या है, बताने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ये बताना है. ये दो चीज़. ठीक है, एम आई क्लियर नाउ? बेटा एम आई क्लियर? ठीक है तो फिर इंशाल्लाह बाकी बात आपसे कल होगी, और कल क्लास से पहले पहले सब अपना काम मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं क्लास से पहले ही उसे एक नजर देख लूं. ठीक है बेटा, चलें अल्लाह हाफिज़.